ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को आत्मा की सतता तथा नित्यता का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा अमर सत्ता है, आत्मा का विनाश कदापि नहीं होगा, इसका बनना कोई इस कार्यकारी जगत का परिणाम नहीं है, यह उस परमात्मा के इच्छा संकल्प से प्रकट होता है और सदैव रहने वाला है, क्योंकि यह उस परमात्मा का अंश है आत्मा। इसलिए इस आत्मा में वही गुण है, वही शक्ति है जो परमात्मा के गुण है व शक्तियां हैं। जिस प्रकार परमात्मा सब ओर आंख वाला है, सब ओर कान वाला है, अंतर्यामी है, वही शक्ति मानव के भीतर है। उदाहरण के लिए जो हमारी आंखों के सामने है हम उसे देख लेते हैं, परंतु जो पीठ के पीछे है उसको कोई पीठ पर स्पर्श करे तुरंत जान लेते हैं। ये जानने वाला वह आत्मा है, वह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। अब स्पर्श तो पीठ पर हुआ, मानव ने जान लिया ये गुण परमात्मा का आत्मा के रूप में, वह विद्यमान है इस शरीर में, परंतु यह अनुभव यह देखता समझता सब मन ही है, मन और आत्मा एक ही है। यह आत्मा के सब टूल हैं, आत्मा इनसे कार्य लेता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यह चार पिलर ये आत्मा के ही टूल हैं। जब पीठ पर स्पर्श हुआ तो वास्तव में आत्मा ने जाना, इसी प्रकार वह परमात्मा जानता है। आत्मा भी अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा, वह परमात्मा भी अविनाशी है, वह घटता बढ़ता नहीं, एक रस अमृत रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान, अविनाशी जिसका विनाश ना हो पावे, जिसका नाश ही नहीं होता, जो अमर सत्ता है, सदैव रहने वाला है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है, इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता, ना तो परमात्मा को कोई मिटा सकता है, उसका नाश कर सकता है, ना ही उसी का अंश। आत्मा क्या है? परम आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा, जो
देह को धारण कर लिया, मानव शरीर में आ गया, देहवान आत्मा। अब वह परमात्मा ही देह में रहता हुआ सब कुछ अनुभव करता है, जैसे पीठ के ऊपर भी स्पर्श ज्ञान होता है, ये ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ। जब तक आत्मा भीतर है, उस स्पर्श को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, एक आत्मा बाहर हो जावे। अब सारे शरीर को कैसे भी रोन देवे, काट देवे, उसको कोई भी अब दुख कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जानने देखने सुनने वाली शक्ति उससे बाहर हो गई है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने, सर्वशक्तिमान सभी शक्तियां उसी का प्रकाश है, उसकी इच्छा से ही सारे कार्य हो रहे हैं। अब यहां पर जब कह दिया जाता है कि उसकी इच्छा से ही हो रहे हैं, तो अब यहां पर भ्रम आरंभ हो जावेंगे। अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न हो जावेंगे कि जब सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है तो ये दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, क्लेश क्यों है, ये अलग सब्जेक्ट है, इसको समय समय पर लिया जाता है, क्योंकि कर्म प्रधान जगत जन जाना, अंतर अपने कर्मों के कारण है, सुख दुख ये सब अपने प्रारब्ध पर निर्धारित है। भगवान तो एक रस अमृत सबके लिए एक समान अपनी कृपा को, अपनी कृपा दृष्टि को एक समान शुभायमान कर रहा है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है, वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है, अमृत पद आत्मा, सब जीवों का, वह आत्मा भीतर हर जीव में वही शक्ति। अब ये उसकी रचना जो है वह नाशवान है, वह स्वयं नाशवान नहीं है। सब जीवों का अमृत पद है वह भगवान, देश तथा काल से ऊपर है। देश शब्दार्थ परंतु भावार्थ ये मानव देह किसी भी काल में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसा नहीं अब है, पहले नहीं था या आगे को नहीं होगा, हर एक शरीर में वही शक्ति हर समय हर काल में वही शक्ति कार्य कर रही है, सर्वत्र है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है, उसको तू अविनाशी जान,
उस परमात्मा को भी अविनाशी जान और इस आत्मा को भी अविनाशी जान। और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होता मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ये प्रकृति के भाव केवल अगर इसको अपने ऊपर आरोपित कर लिया जावे तो ही मानव सुखी अथवा दुखी ऐसी अनुभूति करता है। अगर इस प्रकृति के इन विषयों को ना सेवन किया जावे तो सुख दुख ये समता में आ जावेगा। कैसे? ये आंतरिक अवस्था बाहर के विषयों के साथ कैसे बदल जाती है। व्यक्ति अपने घर में बड़ी हंसी खुशी बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत कर रहा है, सर्वत्र मन शांत है, अब बाहर के विषय किस प्रकार से वह भाव भीतर हिलाते हैं